कुछ नहीं बचा, ना जस्टिस मिली, ना इलाज पूरा हुआ, घर से परिवार गए, घर कमाने खाने वाला कोई नहीं। तीन साढ़े तीन साल, जब चार साल हो गए, बहुत बुरे हाल, इतना बुरा हाल हो गया कि मैं वर्ड में एक्सप्लेन कर नहीं सकती। और गीता जेल में है, दो साल जेल में रहे, फिर बाहर आके धमकी, मैं अपने आप को जिम्मेदार मानने लगी इन सब का। मौसी ने हमें गोद ले लिया। गोद लेने के बाद मौसी लेकर आए दिल्ली, तो मुझे पढ़ने का, डांस करने का, टीवी में आने का बहुत शौक था। शुरू से भगवान के दर पे खड़ा होने लग गई, मतलब गाने लग गए, शौक था। ना मुझे किसी और ने, ना किसी और ने, किसी के थ्रू नौकरी नहीं लगा। मैंने सबको बोला मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कि मेरे घर की माली हालत बहुत खराब है, कि मेरे माता पिता नहीं है कोई भी, मैं अनाथ लड़की हूँ, मेरा छोटा भाई है 13 साल का, जो भी घटना घटी, मैं कमा कुछ बच्चों को पढ़ाना लिखाना सब करी। मेरे भाई जब डेल मना था, जब मेरे माता एट क्लास पढ़ने के लिए बहुत शौक था, मगर पढ़ाई छूट गया। पढ़ाई करने के लिए पैसा वर्दी सब चाहिए, वो सी ने कुछ दिया नहीं। और आरोपी को सिर्फ 5-5 साल का सजा हुआ, ठीक। आरोपी 5 साल के बाद बाहर आ गया, उनकी जिंदगी आज खुशियाल में जी रही है। मैं हुआ ही अंधेकार में हूँ, मुझे 1 रुपया अभी तक 2 लाख से नहीं मिला, सिर्फ मुझे 1,40,000 मिला। क्या 1,40,000 में मेरा जिंदगी बनेगा, मेरा आंखें लड़ जाएगा? आपको कुछ मदद की, कुछ मदद नहीं की, और गवर्नमेंट ने आपके लिए कुछ किया है, पैसा दिया है, जो भी हुआ है, कॉम्पेंसेशन नहीं मिला है आपको, 1 रुपया नहीं, नहीं। आपकी दिल की ख्वाहिश क्या है? मुझे तो मैडम कुछ भी नहीं आता, पढ़ी भी नहीं हूँ मैडम। ऐसा है कि कुछ भी मिलेगा तो मैं करूँगी, घर का काम हुआ, खाना पकाना, ऑफिस का फाइल भी उधर करना पड़े तो भी कर सकती हूँ। जब भी आए ना सकते क्या करूँ अपने आप को, नहीं जल्दी देखती नहीं हूँ, जब भी खड़ी होती हूँ आने के बाद अपने आप को मार दू। मैं सोची कि मैं मर जाऊँ, मुझे डर की सुई लगा दे, बहुत रोती थी अपने को। Saw me and he said, I'm not gonna promise you if I can make her better, but I can try my level best to keep her alive. The skin are damaging slowly, slowly every day, one layer at a time, one layer, all the 7 layers got completely burned and black. It was like somebody threw a charcoal on me. It was that black body I got, and they had to remove the dead skin out of me. Then my dad used to
tell his friends that this is our investment, because he spent his entire savings to make me like this. And my dream was to earn and give him back, which I couldn't. So it's sad. Being passionate about all these things has always been good friend to me. You know, fashion, art, and these creative things. Whatever thought comes in my mind, I try to put it out in my language, you know, the sketchings and the making doodles. Like if I'm angry, I'll make girls with the crazy hair, and if I'm very happy, I'll make with this beautiful smile.